नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 16 अप्रैल शुक्रवार दोपहर के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन दिलवार। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके निवास बाय आरके डेवलपर्स। शहर के दो युवकों ने तिरंगे के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। दरअसल त्रिवेणी ब्रिज से किसी व्यक्ति ने तिरंगे झंडे को तार के माध्यम नदी में लटका दिया था। बेतरीब से टंगे झंडे को वहां से गुजर रहे अर्जुन नामक युवक ने देखा तो उससे तिरंगे की हालत देखी नहीं गई। उसने अपने दो दोस्तों दीपक व पीयूष को इस बात की खबर की। बस फिर क्या था, दोस्तों की ये टोली नदी में कूद पड़ी और पिछले कई दिनों से लटक रहे तिरंगे को निकाल लाए। बेशक यह बहुत छोटी सी घटना नजर आती है, लेकिन ये उदाहरण है देशभक्ति के जज्बे का। हम दो इन भाइयों ने देखा, हम गए, हम लेके आए इस चीज को। तो आप ये बात ध्यान रखिए और जहाँ भी आपको जो भी देख रहा हो, जो भी झंडा दिखे, उस चीज को आप अपने हिसाब से निकालिए, अपने हिसाब से स्वच्छ रखिए और भारत माता की जय। जय हिंद। कोरोना की दूसरी लहर में माधव नगर अस्पताल मरीजों के लिए वरदान सा था। कलेक्टर की मौजूदगी में सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद थी, लेकिन विगत 2-3 दिनों से अस्पताल राम भरोसे ही हो गया है। मरीजों पर स्टाफ ध्यान नहीं दे रहा है, वहीं कई बार मरीजों की जान पर भी बन रही है। अस्पताल में भर्ती मरीजों ने बताया कि यदि स्टाफ को बुलाया जाता है तो वह कहते हैं कि काम हमारे हिसाब से होगा। अस्पताल में भर्ती कुछ मरीजों ने बताया कि विगत 2-3 दिन से समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं। समय पर ना दवाई मिल रही है और ना खाना। ऑक्सीजन को लेकर भी संकट बना रहता है। अस्पताल में कई बार लाइट भी चली जाती है, ऐसे में घंटों तक कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। अस्पताल में हो रही अव्यवस्थाओं से मरीजों की जान खतरे में है। कई अच्छे मरीजों की हालत भी फिर बिगड़ने लगी है। मरीजों का कहना है कि हाल ही के दिनों में जब अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हुई थी तो कम से कम 10 से 15 लोगों ने जान गंवाई थी, लेकिन प्रशासनिक आंकड़ा 2-4 तक ही सीमित रह गया था। बढ़ती अव्यवस्थाओं के बीच मरीजों में एक बार फिर से भय का माहौल बन गया है। उन्हें डर है कि कहीं फिर वैसा ही घटनाक्रम ना हो और कई लोगों की जान पर बनाए। मरीजों से हुई बातचीत में यह बात निकलकर सामने आई है कि माधवनगर अस्पताल का अधिकांश स्टाफ डरा हुआ है। यह डर या तो कोरोना का है या फिर कोरोना से हो रही डेथ के बाद परिजनों के आक्रोश का। कल रात भी एक छोटा विवाद होने की सूचना अस्पताल में हुई थी। इसके बाद से डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय कोई भी वार्ड में नहीं गया। मरीजों का हाल भगवान भरोसे ही था। प्रशासनिक अव्यवस्थाएं मरीजों के लिए जानलेवा बन रही हैं। समाज जनों के लिए कोई अपील। नमस्कार, मैं आलोक एरम शहरवासियों को यह अपील करना चाहता हूं कि आप इस वक्त COVID-19 की महामारी से भलीभांति वाकिफ हैं। शहर ही नहीं, पूरे देश में इस वक्त COVID-19 महामारी अपनी चरम सीमा पर है। अतः सभी शहरवासियों से मैं अपील करता हूं कि प्रशासन के नियमों का पालन करें। प्रशासन द्वारा जो गाइडलाइन हमें दी जाती है समय समय पर, हम उसका पूर्ण रूप से पालन करें। घर में ही रहें। घर का बहुत अति आवश्यक काम है, दवाई या बहुत ही खाने की कोई आवश्यक वस्तु है जिसको लाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, उसके लिए भी सिर्फ एक ही व्यक्ति घर से बाहर निकले और समय सीमा में जाकर दूरी बनाकर सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए वो सामग्री ले आए। कम से कम घर से बाहर रहें, अधिक से अधिक समय घर में बिताएं। जान है तो जहान है, यदि हमारा जीवन रहेगा तो हम भविष्य में सब अपने लक्ष्य को पा लेंगे। आज हमारे लिए सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि हम कोरोना महामारी को परास्त कर उस पर विजय प्राप्त करें। हमारे शहर में रोज इसके कारण कई लोग परेशान हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, उन्हें ऑक्सीजन और कोविड के इंजेक्शन के लिए जद्दोजहद करना पड़ रही है। तो हम इस मुकाम पे ना जाएं, उसके लिए एक ही मात्र चारा है कि हम घर में रहें। धन्यवाद।
कोरोना के कहर के बीच आम दिनों में क्षमता से ज्यादा भरा रहने वाला जिला अस्पताल खाली हो गया है। अस्पताल के वार्ड में महज इक्का दुक्का मरीज ही भर्ती हैं। ओपीडी में भी आने वाले मरीजों की संख्या में 90% तक की कमी आ गई है। बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण के डर के कारण आम जन छोटी मोटी बीमारियों के लिए अस्पताल आने से परहेज कर रहे हैं। जिला अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों के कोरोना संक्रमित होने की संभावना ज्यादा बनी रहती है। हाल ही में ऐसे ही कुछ मामले देखने को मिले थे, जिसके चलते आम जन डरे हुए हैं और अस्पताल जाने से बच रहे हैं। डिटेक्ट कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम आती है इमीडिएटली हम उसका विद इन एन आवर आधा एक घंटे के अंदर एक्सरे सीजी ब्लड टेस्ट कर लेते हैं, संबंधित प्रॉब्लम को इमीडिएट ट्रीट करते हैं और जल्दी अच्छा करते हैं। सारे पेशेंट अच्छे होकर खुद छुट्टी मांगते हैं। कोविड से इसका कोई रिलेशन नहीं है, बट कोविड पेशेंट की हम स्क्रीनिंग कर लेते हैं, यहाँ होता तो तुरंत हम फीवर क्लिनिक या कोविड सेंटर में उसको रेफर कर देते हैं। महितपुर रोड के गुरुकुल मानस एकेडमी में 10वीं की छात्रा को फीस के लिए प्रताड़ित करने के मामले की जांच शुरू हो गई है। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर जांच दल स्कूल पहुंचा है। जांच दल ने स्कूल से संपूर्ण रिकॉर्ड जब्त किया है, साथ ही विद्यालय प्रबंधन से मामले को लेकर पूछताछ भी की है। दरअसल महितपुर रोड के गुरुकुल मानस एकेडमी में 10वीं की छात्रा निधि परमार को फीस के लिए स्कूल के संचालक राकेश पांड्या द्वारा प्रताड़ित किया गया। राकेश पांड्या ने छात्रा निधि को 2 घंटे तक धूप में खड़ा रखा और प्री बोर्ड की परीक्षा में बैठने नहीं दिया। इस पूरे मामले को लेकर महितपुर रोड क्षेत्र में अभिभावकों ने स्कूल की मान्यता रद्द करने को लेकर जमकर आंदोलन किया। पहले स्कूल का पुतला जलाया गया, जिसके बाद महितपुर रोड नगर को बंद कर दिया गया और अधिकारियों को ज्ञापन सौंप कर कार्यवाही की मांग भी की। ऐसे में जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने मामले में जाँच के आदेश दिए हैं। 4 प्राचार्यों का जाँच दल बनाया गया है, जो महितपुर रोड के गुरुकुल मानस अकेडमी में पहुंचा है। दल ने स्कूल से संपूर्ण रिकॉर्ड जब्त किया है। इसके साथ ही स्कूल प्रबंधन से घटना की जानकारी ली गई है। जांच दल के सदस्यों ने बताया कि हम निष्पक्ष रूप से जांच करेंगे और कार्यवाही की जाएगी। इसमें जो शिकायतकर्ता हैं, जिनको पालकों को शिकायत है, उनका भी पक्ष सुना जाएगा और विद्यालय का भी पक्ष सुना जाएगा। अभी हमने सिर्फ दस्तावेज कलेक्ट किए हैं प्रारंभिक रूप से, क्योंकि ये बहुत छोटी मोटी जांच नहीं है, इसमें बहुत सारे उसके एविडेंस की आवश्यकता होती है। तो पहले समस्त प्रकार के दस्तावेज जिनसे इनकी मान्यता है और ये कैसे चला रहे हैं, ये सारे हमने डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए हैं, जिनको हम यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद जो शिकायतकर्ता पालकों की जो है कि मनमानी रूप से फीस वसूली की जा रही है, जो भी उनकी शिकायत है उस शिकायत को सुना जाएगा। हमें आज ही टाइम मिलता, अभी भी रमजान महीना चल रहा है, मेरा फोन का रोजा भी है, उसके बाद मेरे को घर पर जल्दी पहुँचना है, वहाँ से बार बार फोन आ रहे हैं, तो हम लोग बराबर करेंगे। भाजपा जिला कार्यालय पर कैबिनेट मंत्री एवं देवास जिले के प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर द्वारा जिला प्रभारी मंडल अध्यक्ष वैक्सीन प्रभारियों के साथ वर्चुअल बैठक की गई। वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप सभी जन जागरण के माध्यम से लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करें एवं अपने अपने क्षेत्र में मरीजों को आ रही समस्याओं में उन्हें सहायता प्रदान करें और लोगों को प्रेरित करें कि वे मास्क लगाएं, समय समय पर हाथ को धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। और सभी से आग्रह करें कि पंचायत का व्यक्ति पंचायत में पालिका के स्वास्थ्य केंद्र पर पहले संपर्क करे, जिससे कि नगर की तरफ दबाव ना हो, यदि आवश्यकता हो तो ही वहां जाएं। सभी अस्पतालों में आवश्यक सामग्री जैसे ऑक्सीजन एवं दवाइयों की व्यवस्था के लिए प्रशासन को निर्देशित किया है। यदि किसी कार्यकर्ता को अपने क्षेत्र में कोई कमी हो तो वह जिला कार्यालय में संपर्क कर सकता है। और बूथ स्तर तक का, नीचे तक का हाल चाल उनसे जाना है, जो दिक्कतें और वो शिकायतें बताएंगे जिलाधीश जी के पास, जिलाध्यक्ष जी के पास, विधायक सांसद के पास, हमारे अन्य वरिष्ठ जनों के पास जो शिकायतें पहुंचेंगी, वो कार्यालय पे एकत्रित होके प्रशासन से उसका समाधान करवाना, ये हमारी जिम्मेदारी होगी। इसी संबंध में आज उन सबके साथ बैठक की थी और उनको जन जागरण के लिए प्रेरित किया है कि अपने अपने बूथों पर वैक्सीनेशन 100% हो जाए और वातावरण सकारात्मक बना रहे, ये हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। मास्क लगाना, 2 गज की शारीरिक दूरी, ये बहुत ही ज़रूरी, और 100% वैक्सीनेशन, इन जन जागरण के 3 मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर तक काम करने में। देवास में कोरोना कर्फ्यू का पालन करवाने के लिए पिछले 3 दिनों से पुलिस और प्रशासन एक्शन मोड पर दिख रहा है। लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने को लेकर प्रशासन ने भी सख्ती बढ़ा दी है।
घरों से बिना वजह निकलने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सीएसपी विवेक सिंह चौहान खुद सयाजी द्वार पर खड़े होकर कार्रवाई कर रहे हैं। इधर एक व्यक्ति कोरोना कर्फ्यू में बकरा खरीद कर ले जा रहा था, जिसे रोककर अस्थायी जेल भेजने के लिए बकरे के साथ वाहन में बिठा दिया। वहीं बिना कारण घूमने वाले लोगों के वाहन भी जब्त किए। कार्रवाई के दौरान लोग बचने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते हुए नजर आए। दरअसल कोरोना कर्फ्यू में लोग बिना कारण ही शहर में घूम रहे हैं। प्रशासन ने पहले भी लोगों को समझाइश दी, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है, जिस पर पुलिस और प्रशासन ने सख्ती दिखाने के साथ अस्थायी जेल भेजना शुरू किया। शहर के हर प्रमुख चौराहों पर बिना कारण घूमने वाले लोगों को रोककर पूछताछ की जा रही है, साथ ही चालान भी काटे जा रहे हैं और अस्थायी जेल भी भेजा जा रहा है। जैसा कि आपको बताया कि लगातार कोरोना संक्रमण और इसका प्रभाव बढ़ रहा है और इसी को देखते हुए हमारे द्वारा जगह जगह पर वाहन चेकिंग लगाई हुई है और ऐसे लोग जो कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं तथा कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे हैं, 19 तारीख तक हमारे यहाँ कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, तो उनको जितनी तरह से उनके कार्रवाई की जा रही है, चालानी कार्रवाई की जा रही है। चिंतामण थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाने की टीम ने करीब 1.25 लाख कीमत की अवैध शराब को पकड़ा है। शराब तस्कर देशी शराब की पेटियों को बाइक से ही ले जा रहा था। लॉकडाउन का फायदा उठाकर शराब को ग्रामीण क्षेत्र से ले जाया जा रहा था, जिसे मुखबिर की सूचना पर पकड़ा गया है। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान अवैध शराब का कारोबार जमकर फल फूल रहा है, जिसके चलते हर रोज अवैध शराब पकड़ी जा रही है। थाना चिंतामन क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पे लगभग 17 पेटी शराब की लेकर जा रहा था। चेकिंग के दौरान हमने उसको पकड़ा है। लगभग 160 लीटर शराब जब्त की गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उन्हेल नगर द्वारा कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के लिए नगर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से घर घर जाकर लोगों को 45 वर्ष से ऊपर आयु वाले लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही लोगों से चर्चा कर वैक्सीन के प्रति भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास भी किया जा रहा है। अभियान के तहत ऑटो रिक्शा के माध्यम से लाउड स्पीकर पर कोरोना महामारी से बचाव के लिए मास्क पहनने, घर से अनावश्यक बाहर नहीं निकलने, 2 गज की दूरी रखने व हाथ धोने का आग्रह किया जा रहा है। इसी प्रकार ग्राम चंबल पाल्या में स्वयं सेवकों द्वारा घर घर संपर्क कर ग्रामीणों को गांव में ही बने वैक्सीनेशन सेंटर ले जाया गया। जानकारी खंड प्रचार प्रमुख राहुल गहलोत ने दी। और इन मोहल्लाओं को बचत नहीं अपने मालूम नहीं है तो आप थोड़ी जानकारी निकाला करो। आप भी आपको टीके लगे तो आप मोहल्ले में पूछो कि और कोई बचा है कि नहीं बचा है ना। पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मानकों पर 100% खरा। उज्जैन का प्रथम नर्सिंग महाविद्यालय हमारे संस्थान में उपलब्ध है 3 वर्षीय नर्सिंग डिप्लोमा, बीएससी नर्सिंग 4 वर्षीय डिग्री, पोस्ट बीएससी नर्सिंग 2 वर्षीय डिग्री और एमएससी नर्सिंग 2 वर्ष पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री स्टडी प्रोग्राम। हमारी विशेषताओं में शामिल है हॉस्टल व मेस सुविधा, सर्व सुविधा युक्त कैंपस, बस फैसिलिटी, कोर्स पूरा करने पर 100% जॉब गारंटी, योग्य व निपुण फैकल्टी, वर्ग अनुसार छात्रवृत्ति, 3000 से ज्यादा पुस्तकों से सजी लाइब्रेरी, स्पोकन इंग्लिश व कंप्यूटर की निःशुल्क शिक्षा, विभिन्न प्रयोगशालाएं और नर्सिंग प्रशिक्षण के लिए 150 बिस्तरों वाला रिसर्च सेंटर व हॉस्पिटल। हमारा पता है पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट, मोरूखेड़ी पाटपाला मक्सी रोड उज्जैन, मोबाइल 9522000849522000092। तो आपने देखी आज की प्रमुख खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।